25 साल पहले शाहरुख खान की वजह से गुस्से से तिल मिला गए थे सनी देओल। सबके सामने फाड़ दी थी पूरी जींस। बॉलीवुड के एक्शन हीरो सनी देओल आज अपना 62वां जन्मदिन मना रहे हैं। सनी देओल ने बेताब फिल्म से साल 1983 में बॉलीवुड सफर की शुरुआत की थी। ऑन स्क्रीन सनी देओल ने ज्यादातर गुस्से वाले किरदार ही निभाए हैं, लेकिन असल जिंदगी में वे उतने की कूल हैं। असल में सनी देओल का नाम अजय सिंह देओल है, लेकिन घर में लोग उन्हें सनी कहकर बुलाते थे। तब से सनी ने अपना नाम यही रख लिखा। तो चलिए आज हम आपको सनी देओल के जन्मदिन पर शाहरुख खान से जुड़ा एक ऐसा किस्सा बताते हैं जिसमें सनी देओल ने गुस्से में अपनी जींस तक फाड़ ली थी। फिल्म इंडस्ट्री में सनी देओल का दबदबा आज भी बरकरार है। गदर एक प्रेम कहानी फिल्म की जैसे ही बात होती है, सनी देओल का हैंडपंप उखाड़ देने वाला सीन मानो आंखों से होकर गुजर जाता है। बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि सनी ने फिल्मी सफर की शुरुआत करने से पहले एक्टिंग बर्मिंघम से सीखी थी। जैसा कि हर बच्चे को अपने पापा के नाम का रॉब स्कूल में दिखाने का शौक होता है, ऐसा ही शौक सनी देओल को भी था। कहा जाता है कि पापा धर्मेंद्र का रॉब दिखाने के लिए सनी देओल स्कूल पापा की जीन्स पहनकर भी जाते थे। स्कूल में जाकर सनी अपने दोस्तों से कहते थे कि यह जीन्स उनके पापा ने शोले फिल्म में पहनी थी। रियल लाइफ में गुस्सा दिखाने वाले सनी असल जिंदगी में बिल्कुल शांत हैं। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि वे अपने पापा के सामने ज्यादा बोल नहीं पाते। यह बात सनी इंटरव्यू में कई बार कह चुके हैं। कहा जाता है कि सनी देओल जब डर फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तब शाहरुख को सेट पर ज्यादा तवज्जो मिलने से गुस्सा हो गए थे। यहाँ तक कि एक बार गुस्से में उन्होंने अपनी जीन्स के पॉकेट में हाथ डालकर उसे नीचे तक फाड़ भी दिया था। सनी अपने परिवार के काफी करीब हैं। यहाँ तक कि एक इंटरव्यू के दौरान बॉबी पर बात करते हुए वे रो दिए थे। इंटरव्यू के दौरान जब सनी से बॉबी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था 10 साल से वे काम मांग रहे थे, लेकिन प्रोड्यूसर्स उन्हें काम नहीं दे रहे थे। इस वजह से वे डिप्रेशन में भी चले गए थे। यह बात कहते कहते सनी इतने इमोशनल हो गए थे कि रो पड़े। आपको बता दें, बॉबी देओल आखिरी बार रेस 3 फिल्म में नजर आए थे। कहा जाता है कि सलमान ने ही उन्हें इस फिल्म में कास्ट किया था।